आदाब। आज 8 जनवरी 2023 ईस्वी बमुताबिक 15 जुमैदुस्सानी 1444 हिजरी बरोजी इतवार। मकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियों में आपका खैर मकदम है। कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो से मैं हूं आपका मेज़बान अबरार इरशाद। आगाज़ में नज़र डालते हैं अखबारात की कुछ अहम सुर्खियों पर। 8 से 9 और 12 से 13 जनवरी को दो मरहलों में बर्फबारी की पेशगोई, कहीं हल्की कहीं दरमियानी और कहीं होगी भारी बर्फबारी। पहले मरहले में ज़मीनी ट्रांसपोर्ट और दूसरे मरहले में ज़मीनी व फ़ज़ाई ट्रांसपोर्ट में खलल का इम्कान। मतलब अबर आलूद रहने के बायस पूरी कश्मीर वादी में शबाना दर्ज हरारत में थोड़ी सी बेहतरी। 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात 2023। जेके बोस ने किया आर्जी डेट शीट का ऐलान। सॉफ्ट जोन वाले इलाकों में मार्च और सख्त जोन में अप्रैल में इम्तिहानात मुतवक्के। इम्तिहानात के इनेकाद के लिए 444 स्कूलों का इंतखाब, नोटिफिकेशन जारी। माबाद डांगरी हमला और आईडी धमाका। राजौरी में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त, फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात। गिरफ्तार अफराद से पूछताछ जारी, कई इलाकों का मुहासरा और तलाशी कार्रवाई। वादी में तैनात पंडित मुलाजमीन को माकूल सिक्योरिटी फराहम, बेशतर अपनी ड्यूटियों पर वापस आ गए। 17 मकामात पर 6000 रिहायशी फ्लैट जेर तामीर हुकाम। पंडितों की रिहाइश गाहों की हिफाजत के लिए पुलिस एहलकारों को तैनात किया जाएगा, सूबाई कमिश्नर। जनूबी कश्मीर में एसआई की कार्रवाई। आरूनी व श्रीगुफवारा में 65 कनाल अराजी और रिहायशी मकान जब्त। बारामुल्ला और गांधरबल में आग की वारदातें, 2 रिहायशी मकान और होटल खाकिस्तर। 2 माह के दौरान वादी में आग की 609 वारदातें, 3 की जान गई, 9 जख्मी। इसके साथ ही सुर्खियों के आज के मौजूद इख्तिताम पजीर हुआ जाते हैं। अपने मेज़बान अबरार इरशाद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।